आज मैं आपको चोटियां तरह तरह की बनानी सिखाती हूँ, चार पांच तरह की चोटियां बनानी सिखाती हूँ। ये मैंने देखो बल लगाकर पहले बाल सेट कर लिए हैं पीछे के, तो पहले मैं चेन चोटी सिखा रही हूँ आपको, चेन चोटी कैसे बनाते हैं लंबे बालों में। तो डेली यूज में इतना तो अधिकतर लड़कियां पफ बना लेती हैं पीछे का, आगे मैंने बिल्कुल प्लेन किया है, पीछे ये बन लगा दिया है। तो प्लेन चेन चोटी कैसे बनाते हैं, इसके चार हिस्से करते हैं बराबर। ये चार हिस्से कर लिए, एक दो और ये दो, ठीक है, एक दो तीन और ये चार। चार हिस्सों में हमने कोई किधर से भी पहले ये प्लेन चोटी बना ली, जैसे गूंथते हैं ये बना ली, ठीक है, ये बना ली ये, और फिर ये बाल इधर छोड़ दिए, और ये वाले जो बाल है हमने नीचे से लेके इधर रख लिए। ये चेन चोटी है बिल्कुल जैसे गोल चेन आती है उसकी जैसी गोल चोटी आएगी, इसे गोल चोटी भी कहते हैं। अभी ये इधर ले ली, देखो ये वाली तीन इधर डाल दी, और नीचे से इसकी जगह हमने ये ले ली। अब ये इधर कर दी, इधर के नीचे से अब हमने ये ले ली, इस तरह से देखिए बिल्कुल गोल चोटी आ गई है। इसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, इस तरह से। अगर हम यहाँ पर गजरा लगा देंगे तो ये शादी में भी पहना सकते हैं, अगर इतने बीच में गजरा लगा देंगे तो ये यहाँ पर दुल्हन का भी सेट हो सकता है, दुल्हन का भी बना सकते हैं इसकी वजह से, वैसे ये गोल चोटी है। अब इसी में मैं दूसरी चोटी बनाती हूँ, नेट की तरह आएगी, इसको नेट चोटी कहेंगे, फ्रेंच नेट चोटी। इसमें थोड़ी से बाल ये ले लिए बीच में से, और थोड़ी थोड़ी सी इधर से बाल पतले पतले लेंगे, फ्रेंच चोटी में तो ज्यादा ज्यादा लेते हैं, इसमें नेट की तरह पतले पतले लेंगे, इतने पतले।
ये फ्रेंच नेट छोटी हो गई। फ्रेंच नेट छोटी और नीचे खुले बाल भी छोड़ सकते हैं, और इसको एक और ये ऐसे खुले रख सकते हैं, दूसरा एक और अगर इन बालों को ऐसे उठाकर हम जुड़ा कर दें। को ला देंगे तो दूसरी स्टाइल की हो जाएगी। पहली गोल छोटी, चेन छोटी, और ये हमारा बन बैक स्टाइल, और ये नेट छोटी, फ्रेंच छोटी, दो छोटी है। तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।